बिग बॉस के घर में होगा आज साल का सबसे पहला नॉमिनेशन टास्क। आपको क्या लगता है कि जो ये टास्क है इसमें कौन से वो सदस्य हैं जो नॉमिनेट होंगे? मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी कि वो कौन से 5 सदस्य हैं जो आज नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो जो आज हमने कल स्नीक पीक देखा और हमने देखा जो आज दिखाया जाएगा शो, उसमें एक बात तो तय है कि माहिरा जो है वो नॉमिनेट होने वाली है। हमने उनके चेहरे पर 4 स्टैम्प्स देखे क्योंकि हर सदस्य को 2-2 स्टैम्प्स, 2-2 लोगों को नॉमिनेट करना था, जिसमें हमने देखा कि माहिरा के चेहरे पर 4 स्टैम्प है और माहिरा को जो है अगर किसी ने नॉमिनेट किया है तो वो विशाल, रश्मि, आसिम, ये 3 तो कन्फर्म है जो हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा सदस्य है जो नॉमिनेट होगा वो है शेफाली बग्गा, जिसे हमने देखा कि पारस और सिद्धार्थ दोनों नॉमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ का कहना है कि वो दूसरे के मुद्दों में कूद पड़ती है। तीसरा सदस्य है जरीवाला, जिसे हमने देखा कि आसिम और रश्मि दोनों ही नॉमिनेट कर रहे हैं। चौथा सदस्य मधुरिमा, जो जरीवाला और माहिरा उनके बीच फेस पर 4 स्टैंप है तो ये दोनों ने तो नॉमिनेट किया ही है। पांचवा सदस्य जिसके बारे में नहीं दिखाया गया है लेकिन वो भी नॉमिनेट हुए हैं और वो है विशाल आदित्य सिंह। जी हाँ, विशाल आदित्य सिंह को भी नॉमिनेट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये 5 सदस्यों के नाम आ रहे हैं जो आज नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट होंगे और अगले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते का जो एविक्शन होगा उनमें से एक, इसमें से कोई सदस्य एविक्ट होगा। तो मुझे ये लगता है कि इनमें से जो सदस्य एविक्ट हो सकते हैं वो है माहिरा या फिर शेफाली जरीवाला, लेकिन शेफाली के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। मधुरिमा, विशाल और माहिरा के चांसेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि माहिरा के चांसेस सबसे ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि जो ये टीम है, पारस की टीम कहूँ या मैं सिद्धार्थ शुक्ला की टीम कहूँ, उसमें सारे सदस्य बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इस टीम में से आसिम, रश्मि, मधुरिमा, विशाल और शेफाली बग्गा, इस टीम में जो है 5 ही लोग रह गए हैं। अरहान ऑलरेडी बाहर नॉमिनेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब घर के अंदर जो है जिस तरह से नॉमिनेशन की टास्क शुरू हुआ है एविक्शन का, उसमें एक एक करके जोड़ियों को अलग कर रहे हैं और उसमें जब दूसरी जोड़ी आती है जो सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी है वो है पारस और माहिरा की। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है उनको ही घर वाले जो है उनके अगेंस्ट हैं तो उनको जो है सबसे ज़्यादा स्टैम्प मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि इनमें से जो टॉप 3 कंटेस्टेंट इस हफ्ते रहेंगे उसमें रहेंगे माहिरा, विशाल और मधुरिमा। आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते घर में से कौन हो सकता है नॉमिनेट या किसके घर से बाहर जाने से जो है गेम पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।